हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉरेवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखिए, कल यहाँ पर लोग खुश हो रहे थे। किसे देख के? यहाँ पर खुश हो रहे थे डो जोन्स को देख के कि डो जोन्स 1.98% 618 पॉइंट्स यहाँ पर भाग गया। ओके, इसे देख के यहाँ पर खुश हो रहे थे। बट अगर कल का आपने मेरा वीडियो देखा होगा, ओके, जब हमने यहाँ पर वीडियो बनाया था तो आपको कुछ बताया था। क्या बताया था कि इसे देख के खुश मत हुई। यहाँ पर जब मैंने निफ्टी का प्रेडिक्शन किया था 24 मई का, तब मैंने आपको सिंपली बताया था कि मार्केट गिरेगा। ओके, और आज के दिन यहाँ पर आप देखेंगे तो मार्केट गिरा था। मार्केट क्यों गिरा है? सिंपल, देखिए, टेक्निकल के बेसिस पर काम होता है, टेक्निकल के बेसिस पर यहाँ पर चीज़ें यहाँ पर नज़र आती है। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर गया था, फिर गिरा था, अगेन यहाँ पर देखिए टच किया, फिर अगेन यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया है। तो करना क्या है, मतलब करना क्या चाहिए कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है कि यहाँ पर दिख तो 89 पॉइंट रहा है। इसके अलावा हम बात करते हैं निफ्टी मिड कैप की। ओके, दिख तो रहा है यहाँ पर केवल कितना पॉइंट, यहाँ पर दिख रहा है कि 180 पॉइंट ही गिरा है। इसके अलावा हम बात करते हैं निफ्टी स्मॉल कैप की, तो यहाँ पर कितना दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है कि ये यहाँ पर 114 पॉइंट गिरा है। बट एग्जैक्टली अगर हम अपने पोर्टफोलियो के देखते हैं तो सारे स्टॉक्स की पिटाई हो रही है। और मोस्टली पता है कौन से स्टॉक्स की पिटाई हो रही है? मोस्टली उन स्टॉक्स की पिटाई हो रही है जिनकी पिटाई अभी तक हुई नहीं थी। जिनकी पिटाई हो चुकी है वो यहाँ पर सिंपल बैठे हुए हैं, और जिनके यहाँ पर पिटाई नहीं हुई है, ओके, उन्हें अब पीटा जा रहा है। इतना पीटा जा रहा है कि उन्हें नीचे आना बेवश हो। यहाँ पर देखिए अच्छे रिजल्ट, बट स्टिल यहाँ पर डिविस लैब 2 दिन में 15%। ओके, ओवरऑल बात की जाए तो ओवरऑल यहाँ पर ये अच्छे खासे गिरावट। इसके अलावा यहाँ पर आप जाएंगे टॉप में, यहाँ पर देखेंगे तो उन सारे स्टॉक्स को पीटा जा रहा है जहाँ पर जो कि भागते हुए नजर आ रहे थे। ओके, एक एक करके यहाँ पर देखिए, गुजरात एल्कलीस, इसे यहाँ पर गिराया 9%। रेपको होम्स, ये तो गिर ही रहा है काफी टाइम से। श्री रेणुका शुगर, इसे गिराया। PVR को गिराया, आईनॉक्स को गिराया, डिविस वर्धमान KRBL। तो हर एक स्टॉक, ऐसा कोई स्टॉक ही नहीं बच रहा जिसे मार्केट यहाँ पर आड़े हाथ नहीं ले रही और अच्छा खासा यहाँ पर गिर रही है। आपको एक सरप्राइजिंग फैक्ट बताऊं तो देखिए, एफआईआई और डीआईआई की अगर मैं बात करूं, सॉरी, ओके, तो इनका डेटा अगर आप देखेंगे तो आप इनका डेटा देख के चौंक जाएंगे। क्या चौंक जाएंगे कि इन्होंने पिछले 12 साल में, 11 से 12 साल में जितनी बाइंग नहीं करी ना, ओके, उससे ज्यादा यहाँ पर ये बेच चुके हैं। इस चीज को देखिए, मतलब इन्होंने कितने 1.something% की यहाँ पर इन्होंने पिछले 11-12 साल में बाइंग करी है। बट अगर ओवरऑल अगर बात करें तो इन्होंने पिछले 5 महीने में कितनी की सेलिंग कर दिया? 2.5 लाख करोड़ के आसपास की यहाँ पर इन्होंने सेलिंग कर दिया। इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ओके, जबरदस्त सेलिंग पे सेलिंग किए जा रहे हैं। बट यहाँ पर हमारे जो DIIs है, हमारे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है, वो इन्हें तगड़ा यहाँ पर टक्कर दे रही है और इन्हें बता रही है कि अब तुम्हारा टाइम ओवर हो रहा है। ओके, यहाँ पर ये जो सेलिंग कर रहे हो ना, कोई इशू नहीं है, कर लीजिए जितना करना है। बट यहाँ पर जब हम यहाँ पर मार्केट को संभाल रहे हुए तो जब तुम्हें लोगे तो ऊपर की तरफ ही जाएगा मार्केट, और यहाँ पर तुम उस रेट पे लोगे जो हम यहाँ पर डिसाइड करेंगे, ना कि उस रेट पे यहाँ पर तुम बेच के निकल जाओगे। सिंपल सी स्ट्रेटेजी है यहाँ पर। इन्होंने यहाँ पर आप देखेंगे इन्होंने जितना खरीदा नहीं है यहाँ पर, ओके, उससे ज़्यादा यहाँ पर इन्होंने बेचा है। यहाँ पर देखिए 2007 से यहाँ पर डेटा दे रखा है। ओके, एक बार इस डेटा को यहाँ पर मिलाइएगा तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से इन्होंने खरीदा कम और बेचा ज़्यादा है। ओके, और किस तरीके से इनका डेटा क्या चीज़ यहाँ पर दर्शाता है। बट कोई नहीं, वेल एंड गुड है, जो भी हो रहा है मार्केट में ठीक हो रहा है। और मार्केट में मैं तो एक चीज़ कहूँगा, ओके, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था क्या कि डोली खन्ना का पोर्टफोलियो पर यहाँ पर जाइए। ओके, तो आपको पता चलेगी कि यहाँ पर हुआ क्या था। लास्ट टाइम मैंने आपको समझाया था कि डोली खन्ना का पोर्टफोलियो 2020 में, जो कि यहाँ पर 2017 में 859 करोड़ रुपए का यहाँ पर पोर्टफोलियो था, वो 2020 में कितने का रह गया? केवल और केवल 20 करोड़ के आसपास। ओके, 18 से 20 करोड़ के आसपास रह गया। तो हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। किसी को इतने पैसे से इतना आ जाएगा तो उसे तो बिल्कुल ही हार्ट अटैक टाइप में हो जाएगा कि हार्ट अटैक आ जाएगा कि एक साथ ही मतलब राजा से रंक बना दिया। बट रंक से उन्होंने दोबारा राजा बना दिया। इस तरीके से यहाँ पर चलता रहता है, ये चीज़ चलती रहती है। तो डोंट ये मार्केट में आए हो तो मार्केट आपको रिवॉर्ड भी देगी, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो 102 करोड़ से यहाँ पर 700-800 करोड़ भी हुए, 800 करोड़ से 20 करोड़ भी हो, 20 से यहाँ पर दोबारा 500-600 करोड़ हो गए। तो इसी तरीके से चीज़ें चलती रहती है। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। ओके, पोर्टफोलियो को देखना ही बंद कर दीजिए अभी कुछ टाइम के लिए। पैसे हैं तो धीरे धीरे लगाइए, क्यों? क्योंकि सारे स्टॉक्स जितने भी लेवल दिए जा रहे हैं ना, सारे स्टॉक्स यहाँ पर टूटते हुए नजर आ रहे हैं। कोई यूएस से मार्केट से अभी कोई रिलेशन नहीं रहा कि यूएस मार्केट यहाँ पर गिर रहा है तो हमारा भी गिरेगा, यूएस मार्केट भाग रहा है तो हमारा ही भागेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पर आपको एक बात बताऊं, बेशक से डो जोन्स अगर भागता हुआ नजर आता है, ओके, तो ये जरूरी नहीं है कि इंडियन मार्केट यहाँ पर भागता हुआ नजर आए। बट अगर डो जोन्स यहाँ पर गिरता हुआ नजर आता है, हाँ, इंडिया मार्केट को ये आधा हाथ तो ले लेते हैं और यहाँ पर मार्केट को गिरा देते हैं। तो थोड़ा सा समझदारी से काम करना है, कोई इशू नहीं है। ट्रेडिंग करना अभी भूल जाइए, ट्रेडिंग को छुए ही मत। ओके, मैंने देखिए कल का लेवल बताया था, कल आपको बताया था कि ये मार्केट में गिरावट हो सकती है, अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर आ सकती है। बट मेरे को क्या लग रहा है, देखिए ये एक आइलैंड टाइप में बना रहा है। ओके, इस तरीके के जब भी आइलैंड बनते हैं ना, ओके, एक साथ ही एक ही रेंज में फंस जाता है, तो यहाँ पर जब निकलता है ना तो अच्छा खासा यहाँ पर निकलता हुआ नजर आता है और अच्छा खासा पैसे बनते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पर धीरे धीरे करके ऊपर जाएगा। ओके, बट ये मत सोचिएगा कि आपको यहाँ पर अच्छे खासे, यहाँ पर जो आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव में आया है वो तुरंत ही यहाँ पर पॉजिटिव में आ गया जाएगा। आपको एक स्मार्टली वर्क करना होगा, जो कि मैं हमेशा अपनी बार अपनी वीडियोस में बता रहा हूँ और आपको किस तरीके से यहाँ पर स्मार्टली वर्क कर सकते हैं। कल मैंने यहाँ पर अडानी के बारे में बताया था, मैंने बताया था कि अगर गया तो ये दो लेवल है, यहाँ तक जाएगा, बट वहां से यहाँ पर दोबारा यहाँ पर गिर सकता है। और यहाँ पर नीचे देखिए लाइन लिख रखी है, फंस मत जाना। ओके, तो फंस मत जाना इसलिए बोला था कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए अडानी पावर ऊपर गया, ऊपर जाके ओके यहाँ पर ब्रेकआउट देके यहाँ पर ऊपर लोगों को फंसा के सिंपल 343 पे यहाँ पर लोगों को फंसा के नीचे आ गया। अगेन अगर हम बात करें अडानी विल्मार की, सेम केस यहाँ पर होता हुआ नजर आया, ऊपर यहाँ पर भाग के यहाँ पर दोबारा यहाँ पर अपर सर्किट लगाया, फिर लोअर सर्किट लगा के यहाँ पर फंसा दिया। तो इसलिए देखिए क्या कहना चाहता हूँ, उस चीज़ को समझिए। देखिए जब ये जंप होती है तो उसके बाद रिट्रेसमेंट होती है, और अगर रिजल्ट अच्छे नहीं आए तो ऑपरेटर क्या करते हैं, ऑपरेटर चीज़ों को भगाते हैं और भगाने के बाद फिर फंसाते हैं। तो देखिए यहाँ पर फंसाया। अब इसमें क्या बन रहा है, याद रखें, थोड़ा सा मेरी बातों पे ध्यान दीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखा करें ताकि समझ में आए कि क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ये बना रहे हैं लोअर हाईज, यहाँ पर देखिए सॉरी ये हायर लोज बना रहे हैं, यहाँ पर हाई बना, ओके, फिर नीचे गिराया, फिर यहाँ पर हाई एक बना के यहाँ पर उस हाई से थोड़ा सा नीचे हाई बनाया, फिर नीचे गिरा के यहाँ पर ही आसपास दोबारा लेके आएंगे, फिर धीरे धीरे करके नीचे लेते रहेंगे। आपको बार बार ऊपर, आप सोचेंगे कि यहाँ पर ऊपर आ गया, बट ये ऊपर नहीं आया, आपको बार बार फंसाया जा रहा है। थोड़ा सा यूज करिए दिमाग को। मैं हमेशा अपनी वीडियो में बार बार बताता हूँ कि किस तरीके से आप यहाँ पर लॉस से प्रॉफिट में आ सकते हैं, इसी तरकीब से। ओके, जैसे आप बात करता हूँ डिविस लैब की। ओके, डिविस लैब में क्या हुआ, डिविस लैब में लगातार यहाँ पर गिराया। अब लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पर गिर गया, ओके, और ज्यादा गिरेगा, बट यहाँ पर देखिए ये शेयर थोड़ा बहुत अगर गिरा भी, ओके, मैं नहीं बता रहा कि यहाँ तक आएगा, ओके, कि यहाँ तक आएगा, फिर भी यहाँ पर आपको अगर जानना चाहते हैं कि कहाँ तक आ जाएगा, यहाँ पर तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं बन रहा, इसका सपोर्ट डायरेक्ट यहाँ पर बन रहा है। ओके, 3571 के आसपास आएगा, या फिर ये 3300 के आसपास यहाँ पर आ सकता है। ओके, इन दोनों लेवल पे आए, आप बाइंग करिएगा, बिंदास बाइंग करिएगा, और बस यहाँ पर जब बाइंग करें ना तो शेयर कहाँ तक जाएगा, शेयर यहाँ तक, ओके, 3900 तक यहाँ पर आए, या फिर यहाँ पर 4300 तक आए। इन दो लेवल पे जैसे ही यहाँ पर शेयर आया था, चुपचाप बेच के निकल जाइएगा, यहाँ पर जो प्रॉफिट होगा वो अच्छा प्रॉफिट होगा, फिर नीचे चीजें आएगी। तो यहाँ पर हायर लोज बनते हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ पर हाई बनाया, फिर यहाँ पर देखिए एक इसने यहाँ पर हाई बना के यहाँ पर फंसाया, फिर चीजें गिर के यहाँ पर फिर ऊपर ले गए, यहाँ पर बनाया, फिर यहाँ पर नीचे जाके फिर ऊपर बनाएंगे, यहाँ पर ही आसपास कुछ एक हायर लोज बनाएंगे, फिर नीचे आएंगे। तो इसी तरीके का खेल चल रहा है। अब 1 से 1.5 साल के लिए, मुझे लगता है 6 महीने से 1 साल के लिए भूल जाइए कि यहाँ पर मार्केट में आपको कोई पैसा बनने वाला है। सिंपली आप यहाँ पर ट्रैप तो नहीं कहूँगा, ओके, आपके पास अगर अच्छे स्टॉक्स हैं डेफिनेटली दे विल कम बैक, और यहाँ पर जब कम बैक होंगे तो यूएस मार्केट में यहाँ पर बियर मार्केट आ गई है, ओके, आप बात करेंगे डो जोन्स की। डो जोन्स में बियर मार्केट चल रही है, बट इंडियन मार्केट में बियर मार्केट नहीं चल रही है। इंडियन मार्केट के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, ओके, इंडियन मार्केट यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्म करने वाली है। सो इंडियन मार्केट में बस ये एक साइड बेस जोन चल रहा है, जस्ट बिकॉज ये एफआईआईज यहाँ से पैसे निकालते हुए नजर आ रहे हैं, बार बार यहाँ पर पैसे निकालते हुए नजर आ रहे हैं, जिस वजह से यहाँ पर प्रेशर आ रहा है, बस प्रेशर आ रहा है यहाँ पर। बट जब यहाँ पर दोबारा एफआईआईज आएंगे, चाहे 6 महीने बाद आए या 1 साल बाद आए, तो यहाँ पर एक रैली होगी, और जो रैली होगी ना, वो एक रैली आपने जो अभी ये रैली देखी थी ना, उससे भी ज़्यादा तेज रैली होगी। और आने वाले 10 साल से 15 साल यहाँ पर भारत के लिए काफ़ी बेहतरीन है, ओके। यहाँ पर जो चाइना में यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे थे ना यूएस के लोग, वो परेशान हो गए चाइना से भी। चाइना में यहाँ पर आपको पता ही किस किस तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही है, तो यहाँ पर वो यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करने वाले, वो करने वाले इंडियन मार्केट में। तो यहाँ पर डरने वाली बात नहीं है, और लेवल की बात करें तो लेवल इंटैक्ट है मेरे, ओके। यहाँ जब तक इस लेवल को यहाँ पर क्रॉस ना करे, तेजी करने की जरूरत नहीं है। इस पे आ जाए तो यहाँ पर कॉशियस रहिएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऊपर टच करके नीचे आ सकता है। और नीचे का लेवल की बात करें 15,740 के आसपास का जो लेवल है, ओके, और 15,000 यहाँ पर एक और लेवल 15,600 के आसपास का जो लेवल है, ये तो लेवल काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके बीच में यहाँ पर झूला झूल रहा है। सेम यहाँ पर स्मॉल कैप मिड कैप में भी आपको लेवल दे रखे है। इसी तरीके से चीजें चलेगी, इसी तरीके से काम होने हैं, तो थोड़ा सा वेट करिए पेशेंटली, ओके। यहाँ पर चीजों को सीखना शुरू कर दीजिए, ओके, पढ़ना शुरू कर दीजिए। मैं यहाँ पर आपको डेली चीजें बता रहा हूँ। देखिए, डो जोन्स भागा, बट मैंने कल आपको बता दिया कि मार्केट गिरेगी। किस बेसिस पर बताया? तो मैंने आपको बताया भी था, यहाँ पर ये शूटिंग स्टार बन रहा है, और जब भी शूटिंग स्टार बनता है तो मार्केट यहाँ पर चांसेस होते हैं कि यहाँ पर गिरे, होने को ऊपर भी भाग सकता है, तो वो एक बैड लक की बात होती है। बट यहाँ पर जब यहाँ पर बता रहा है टेक्निकल कि गिरेगा, तो यहाँ पर इसी तरीके से अगर हम सीख रहे हैं और हमें समझ में आ रहा है तो यहाँ पर गिरेगा, तो हम यहाँ पर एक दिन पहले ही शॉर्ट करके चुपचाप ले सकते हैं। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर काम करेंगे तो पैसा बनेगा। बाइंग सेलिंग की कोई भी किसी भी तरीके की आपको रिकमेंडेशन नहीं है। डिविस लैब के रिजल्ट अच्छे थे, ओके, बट यहाँ पर डिविस लैब में सिंपली आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा और नीचे आएगा, उसके बाद चीज़ें भागेगी, ओके। यहाँ पर इस लेवल पे आए तो याद रखिएगा आपको बेच के चलना है, ओके, 3900 के आसपास, और चीज़ें फिर दोबारा नीचे आती हुई दिखाई देगी। हायर लोज इस तरीके से चीज़ें बना रही है। और जितने भी बेकार स्टॉक्स है, जैसे कल मैंने आपको बताया था, देखिए कल मैंने आपको बताया क्योंकि कितना गिरा, बिल्कुल ना के बराबर। न्यूक्लियस ना के बराबर, ओके। वक्रांगी मैंने देखा नहीं है, ओके, वो यहाँ पर वक्रांगी को भी देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर वक्रांगी देखेंगे तो देखिए कितना गिरा, यहाँ पर 2%, बट दूसरे स्टॉक्स कितने गिर रहे हैं, 6%, 7%, 10%। न्यूक्लियस बिल्कुल नाक पर के बराबर, गल्फ पॉइंट ना के बराबर, एस पी अपीयरेंस ना के बराबर, बनती फीट्स ना के बराबर। तो यहाँ पर ये शेयर थोड़ा बहुत गिरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी गिर चुके हैं, तो यहाँ पर ये शेयर नहीं गिरेंगे। ये शेयर अब जब भागेंगे तो अच्छा खासा रिटर्न देंगे। बट आपको करना क्या है, आपको सिंपली देखिए, ये हायर लोज की बात जो मैं बता रहा था, देखिए एक हाई, फिर इसके बाद नीचे का आई, फिर उसके नीचे का आई, फिर उसके नीचे का आई, ओके, फिर इसके नीचे का आई। अब दोबारा जब बनाएगा तो यहाँ पर आसपास हाई बना लेगा, फिर नीचे आएगा, फिर इसके आसपास बना लेगा। तो एक एक लेवल कर करके यहाँ पर नीचे आएगा। जब भागेगा तब अच्छे रिटर्न अपने मिलते हुए भी उसी तरीके से नजर आएंगे। तो चलेगा, जब चलेगा तभी तो इस तरीके से यहाँ पर चलता हुआ नजर आएगा, zigzag मोशन में। तो चीज़ों को समझिए, समझने के लिए लास्ट तक वीडियो देखा करें। चीज़ों को यहाँ पर कब बाइंग करना है, कब सेल करना है, वो भी यहाँ पर समझते रहिए, क्योंकि इस मार्केट में एक स्ट्रेटेजी काम नहीं आती, बट 2-3 स्ट्रेटेजी साथ में रखनी पड़ती है। उसके हिसाब से हम काम करते रहेंगे तो यहाँ पर प्रॉफिट बनाएंगे। तो ये चीज़ें सीखने से आती है, सिखाने वाला भी होना चाहिए, ओके, और आपको समझ में भी आनी चाहिए, पढ़ना भी आपको पड़ेगा, सब चीज़ आपको करनी पड़ेगी उसके हिसाब से ही। तो यहाँ पर सब चीज़ मैं आपको बताऊँगा, बट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट, ऑल की नोटिफिकेशन, और जितनी भी वीडियोस हो लास्ट तक देखा करें, तसल्ली से देखा करें, एक-दो बार रिपीट करके देखा करें कि मैं कहना क्या चाहता हूं। अगर आप उस चीज को समझ लेंगे, 1 से 2 साल यहाँ पर दे दीजिए, मार्केट में आपको हराने वाला भी कोई नहीं होगा, ओके, और मार्केट में आपको घबराने वाला भी घबराहट भी कभी नहीं होगी। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।